आज इस पढ़ाई के डिप्रेशन और बेरोजगारी के दलदल में खड़े होकर हम यूपी सरकार के पूरे हो रहे 5 साल को याद कर रहे थे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां लोग 5 साल में सरकार बदल देते हैं, वहीं इनके हाथों में सत्ता की पूरी ताकत होते हुए भी ये 2016 आरओ का फंसा एग्जाम तक नहीं क्लियर करा पा रहे हैं। हर 5 साल में हो रहे इलेक्शन पैटर्न में तो कोई चेंज नहीं हो रहा ना साहब, फिर हम स्टूडेंट का क्या दोष जो 2016 आरओ के नोटिफिकेशन में बदलाव कर 2020 के उसी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग ला रहे हो। अब हम बेरोजगार स्टूडेंट हैं साहब, और इस बेरोजगारी की दलदल में फंसे हुए हैं। हम बस आपसे रोजगार पर चर्चा करना और सुनना चाहते हैं। हम स्टूडेंट दिन रात मेहनत करते हैं अपने सपनों के लिए, फिर बुरा लगता है आपकी ऐसी हरकतें देखकर। देखिए ना, इलेक्शन आने वाले थे, 69,000 भर्तियां निकाल दिए बिना कुछ सोचे, फिर इलेक्शन जीतते ही फंसा दिए हाईकोर्ट में, अभी भी फंसी ही पड़ी हैं। जाल बिछाकर दाने डाले और चिड़िया पकड़ते ही जाल हटा दिया। हाँ, दाने पड़े रहने दिए आगे के लिए, और अब ये 69,000 वाली वैकेंसियां भी हमको कुछ यही महसूस कराने पर लगी हैं। मार्च में 3 महीने में ज्वाइनिंग देने की बात की थी लखनऊ हाई कोर्ट ने, फिर सरकार को क्या जरूरत थी आदेश विरुद्ध मई तक ले जाने की। क्या करें साहब, ऐसा सिस्टम कभी इलेक्शन में फंसता ही नहीं। लगातार 9 तारीखें खाली गई कोर्ट की और साहब के माध्यमिकता पहुंचे ही नहीं। कोर्ट की डांट फटकार पर पहुंचे भी तो सरल भाषा में बोल दिया कि साहब तैयारी ही नहीं थी। अरे सत्ता की उस कुर्सी पर अगर आप कोनो एग्जाम क्लियर करके बैठते ना साहब, तो हम स्टूडेंट के मेहनत की कद्र होती। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब बच्चे स्कूल ऑफिस या काम कम पड़ गया है या आपके रिटायर लोग कम पड़ गए हैं। 2017 से लेखपाल की भर्तियां आ रही हैं, पता नहीं कहीं रास्ता भटक गई हैं या घरों में क्वारंटीन हुई हैं। साल भर से तो UPSI की भी भर्तियां आ रही हैं। साला जवानी जा रही है, टेंशन में दौड़ते दौड़ते सांस फूल रही है, मगर आयोग का कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है। अरे साहब, सड़कों पर टहलती गायों में आपको माँ नजर आ जाती है, अच्छी बात है, और आप उनके लिए गौशालाएं भी बनवा रहे हैं, फिर बेरोजगारी की आग में झुलस रहे सड़कों पर हम स्टूडेंट क्यों नहीं नजर आ रहे हैं। अयोध्या में भगवान जी तो नजर आ गए आपको, और 21 लीटर सरसों के तेल के दिए भी जलवाए आपने। फिर दिवाली की सुबह वो बेरोजगार लड़की जो दीपकों से तेल निचोड़ रही थी अपनी जीविका चलाने के लिए, वो क्यों नहीं नजर आई आपको। अरे हम आम इंसान हैं साहब, हमारे लिए जाति धर्म और ये राजनीतिक पार्टी मायने नहीं रखती, हमारे लिए सिर्फ एक ही धर्म मायने रखता है, इंसानियत का धर्म। दिन में न सही तो कभी सोते वक्त ही ये अपनी आंखों से भ्रष्टाचार का चश्मा और कानों से गंदी राजनीति के ईयरफोन को हटाकर देखिए तो सही। हम स्टूडेंट की तड़प और चीखें सब दिखाई और सुनाई देंगी आपको। हम स्टूडेंट बस अपना हक मांग रहे हैं आपसे, वोट की भीख नहीं। मानते हैं टिकटॉक पबजी बैन होना देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, पर केवल टिकटॉक और पबजी के बैन से देश के हालात नहीं सुधरने वाले। अरे साहब, बैन का टिक ही लगाना है तो लगाइए ना भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर, भुखमरी पर। और ये आपके YouTube चैनल से लाइक डिसलाइक और कमेंट ऑप्शन हटा देने से अब हम स्टूडेंट रोजगार के लिए क्रांति नहीं रोकने वाले। संसद से प्रश्नकाल को हटाने से अब हम स्टूडेंट के प्रश्नों में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि विपक्ष द्वारा प्रश्नवाचक चिन्ह तो आप पर लग रहा है। याद रखिएगा, हमारी पावर किसी कुर्सी या हाथ में उठाए किसी हथियार की मोहताज नहीं। हम स्टूडेंट अपनी आवाज और अपने एक वोट से किसी भी चुनावी कुर्सी को पलटने की ताकत रखते हैं।